हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जी देखिए यहां पे इनकी मस्ती, ये सब कैसे मस्ती कर रहे हैं। मेरे को आज ही पता चला कि ये लोग ऐसे मस्ती करते हैं। ये ताऊ जी के घर पे गई हुई थी यशु, और देखो ये यशु के फ्रेंड्स कैसे कैसे शैतानियाँ करते हैं। इन्होंने देखो घर बना रखा है और घर के अंदर यशु को बिठा रखा है और आपस में कैसे मस्ती कर रहे हैं। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। तो जी यहाँ पे मैं यशु को नहला के लाई हूँ, और नहलाने के बाद उसकी बना रही हूँ मैं चोटियाँ। क्या है ना कि इसके बाल बिखर जाते हैं, और आज मुझे कहीं जाना है इसको लेकर, तो मैं इसकी चोटियाँ बना देती हूँ जिससे इसके बाल बिखरे बिखरे ना रहें। और बच्चे की जो चोटी बना देते हैं तो उसको गर्मी भी कम लगती है, और मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है जब मैं इसकी चोटियाँ बना देती हूँ। देखो आराम से, इसको पता नहीं है कि मैं इसकी चोटियाँ बना रही हूँ, नहीं तो ये जो फ़ोन नहीं होता ना तो ये बनवाती नहीं। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, देखिए आप। तो जी झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, इसके बाद अभी मैंने कपड़े भी धो लिए थे फटाफट, तो मैं इनको सुखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा, नहीं तो जहाँ जाना है वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो हमें ही परेशानी उठानी पड़ेगी ना, इसलिए मैं फटाफट से कपड़े सुखा रही हूँ। और अभी टाइम लगभग 8:30 बज चुके हैं। मैं पहले ही खुद, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि यशु को भी संभालना पड़ता है, उसके बाद घर का काम होता है। सबको पता है कि भाई जब ससुराल में काम कितना ज़्यादा हो जाता है, नहीं एक तरफ बच्चा है तो दूसरी तरफ घर का काम भी है, और फिर खुद का भी नहाना धोना होता है, इसलिए काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं फटाफट से काम समेट के और फिर निकल देंगे हम तीनों के तीनों। अभी हम निकल दिए हैं घर से, देखिए कितना सुंदर पेड़ है। मैंने सोचा मैं इसकी जो वीडियो है वो बना लूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि देखो ये आम तौर पे बड़ी आसानी से लगने वाली बेल है, लेकिन जब लगने के बाद इतनी सुंदर लगती है ये। और हम निकल पड़े हैं अभी, और मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ यशु को विटामिन ए की दवाई पिलवाने के लिए। क्या होता है ना कि बच्चे को समय समय पर पोलियो, ये विटामिन्स की दवाइयाँ पिलवाते रहना चाहिए, इंजेक्शन लगवाते रहने चाहिए, इनकी इम्यूनिटी बनी रहती है, और इसके साथ ही इनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होने से बचाती हैं ये दवाइयाँ। अगर आप भी अपने बच्चों को नहीं पिला रहे हो समय पर तो प्लीज़ ये दवाइयाँ पिलाइए। इसके अलावा मैं तो
यशु को रोज़ विटामिन D3 की भी आधा चम्मच दवाई देती हूँ, वो भी गवर्नमेंट से मिलती है। तो जी आप भी बच्चों के लिए ले आइए अगर आपके पास नहीं है तो। और हाँ, फोलिक एसिड की जो दवाई होती है बच्चों की, सीरप आती है, वो पक्का से अपने बच्चों को दें ताकि उनमें एनीमिया ना हो, खून की कमी उनके अंदर ना आए, उनका खून साफ रहे। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट।